हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस की सेटिंग करते हैं और वर्डप्रेस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस में एंटर होने के लिए अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे और अपनी साइट के आगे स्लैश डाल के, जैसे कि हमारा डोमेन नेम था onlinetutor.tk, इसके आगे स्लैश डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे हम wp-admin और हम प्रेस एंटर कर देंगे। ये हम वर्डप्रेस में एंटर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हमारा वर्डप्रेस ओपन हो गया है। वर्डप्रेस के अंदर हमने इसका यूज़र नेम देंगे जो हमने रखा था और पासवर्ड देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास वर्डप्रेस इस वक्त इंस्टॉल नज़र आ रहा है, ये हमारा पुराना वर्जन है। सो हम इसमें इसको अपडेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्लीज़ अपडेट नाउ, इस बटन को हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आके हम अपडेट को क्लिक कर देंगे। ओके, ये हमारा वर्डप्रेस अपडेट हो गया है। जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, हमारे पास ये अपडेटेड स्क्रीन शो हो रही है वर्डप्रेस की। अभी यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि अभी कुछ तीन चीज़ें और हैं जो अपडेट होने वाली हैं, एक प्लगइन और दो थीम्स हैं। इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं पहले, फिर हम इसकी सेटिंग वगैरह देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर हम जो है ये दो प्लगइन है, इसको पहले अपडेट कर लेते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से अपडेट प्लगइन क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे दोनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए हैं और अभी भी दो थीम्स, दो अपडेट्स अभी बाकी पड़ी हुई हैं। हम इसको भी देख लेते हैं कौन सी दो अपडेट्स रहती हैं, वो हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ये दो थीम्स रहती हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड अपडेट थीम। ओके, ये थीम्स भी हमारी अपडेट हो गई हैं। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं। ये हमारा सारा डैशबोर्ड है। अब इनमें हम जो है ये सारे टूल्स हैं, ये हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी सेटिंग से हम दूसरी टूल्स के ऊपर आएंगे, फिर यूज़र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सेटिंग के टैब को पढ़ेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हैं जर्नल की, इसकी जर्नल सेटिंग को हम चेंज करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारा जो है ब्लॉग टाइटल जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्यूटर है, तो हम इसके मतलब है कि यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल वगैरह की साइट बनाएंगे जिससे हम लोगों को कुछ सिखा सके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देते हैं। और यहाँ पर हम इसकी टैग लाइन होती है जो हम शो नज़र आती है, जैसे कि मैं अपनी साइट पहले ओपन करता हूँ साथ में, जहाँ हमें नज़र आए कि हम ये चेंजिंग कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये ब्लॉग नज़र आ रहा है, ये इसका ये टैग लाइन होती है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैग लाइन लिख सकते हैं अपनी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको एक दफ़ा सेव करके तो हम चेक कर लेते हैं। सेव चेंजेस, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आ गया फ्री ट्यूटोरियल्स पोर्टल और यहाँ पर लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, उसका मतलब ये हमारी यहाँ से सेटिंग चेंज हो गई है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको ये हमारा लिंक नज़र आ रहा होगा वेबसाइट का, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ onlinetutor.tk, लेकिन ये लुक में अच्छा नहीं लगता जब तक इसके साथ www ना हो। तो मैं अगर यहाँ पे www डालता भी हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म कर देता है। तो ये www.onlinetutor.com डाल रहा हूँ मैं, इसको एंटर करूँगा तो ये फिर दोबारा onlinetutor.tk ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये लुक इसकी ज़रा चेंज हो यहाँ से, तो हम यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे www.डालेंगे और नीचे भी हम इसी तरह www. ये डाल देंगे। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे मेंबरशिप है, यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर कोई आपकी वेबसाइट में रजिस्टर कर सके। तो अगर करना चाहते इस ये आप अथॉरिटी देना चाहते हैं लोगों को, तो वो यहाँ पे चेक लगा दें, लेकिन ये अथॉरिटी हम ज़्यादातर देते नहीं हैं। और यहाँ पे उसका रोल सजेस्ट करना है कि जो आपके अकाउंट में, जो आपकी वेबसाइट में रजिस्टर्ड होता है, तो उसका रोल क्या होना चाहिए। वो सब्सक्राइबर होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, ऑथर होना चाहिए, एडिटर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर रोल वो होता है जो इस वक्त आप कर रहे हैं, जो आपका रोल है वही एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है।
और इसके बाद एडिटर का रूल्स थोड़े से कम हो जाते हैं और रोल्स थोड़े से कम हो जाते हैं और ऑथर के रोल उससे भी कम होता है और कंट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर के उससे कम होते हैं। तो एडिटर का आप उसको दे सकते हैं या ऑथर का आप उसको दे सकते हैं जिसको आपने मिसाल तौर पर अथॉरिटी देनी हो अपनी वेबसाइट की कि तुम मेरी वेबसाइट में आया करो और कुछ पोस्ट वगैरह लिख दिया करो, तो आप उसको ऑथर की ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आप एनीवन को अनचेक रहने दें क्योंकि नहीं इसका मतलब ये होगा कि कोई भी आपकी साइट में रजिस्टर हो सकता है। सो ये हमारी सेटिंग थी, हमने जर्नल के अंदर यहाँ पे ये इसका साइट टाइटल टैगलाइन और यहाँ पे www दिया है और नीचे ये आपकी डेट की सेटिंग है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी जब आप उसको देखेंगे, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमसे दोबारा लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा क्योंकि अभी हम जो है पहले हम लॉगिन हुए थे onlinetutor.tk में, लेकिन अब हम लॉगिन होंगे www.onlinetutor.tk में, तो इसलिए वो हमसे लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, सो अब हम इसमें लॉगिन दोबारा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर नज़र आ रहा होगा www.onlinetutor.tk/wp-admin, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी आपको अब www साथ में शो होगा अपनी URL वेबसाइट के URL के साथ, यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। सो ये हमारा तरीका था इसको थोड़ी सी सेटिंग करने का। अब इसकी सेटिंग के अंदर हम आते हैं राइटिंग की सेटिंग के अंदर ये क्या है कि ये यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग का है कि कन्वर्ट इमोशंस लाइक ये और ये टू ग्राफिक ऑन डिस्प्ले, यानी कि जब हम कहीं पे चैटिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि ये स्माइली फेस के लिए हम यूज़ करते हैं कि जब हम ये कोड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका फेस स्माइली शो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया हुआ है कि जब हम इस तरह की कोई चीज़ें अपनी पोस्ट में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली उसको उनकी शेप्स दे रहे हैं, उनकी स्माइली फेस दे रहे हैं। अगर हम इसको अनचेक रखेंगे तो हम ये लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर भी इसी तरह ही शो होगा, कोई स्माइली फेस नहीं आएगा। तो इसको चेक करने का मतलब है कि ये हमारी वर्डप्रेस पर स्माइली फेस शो करे। और इसके बाद है वर्डप्रेस शुड करेक्ट इंडिविजुअली नेस्टेड XHTML ऑटोमेटिकली, ये इसको हमारा इतना कोई काम नहीं है, सो इसको हम अभी अनचेक रहने देते हैं। मज़ीद आता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी हमारी डिफ़ॉल्ट कौन सी होनी चाहिए, अभी हमारे पास कोई पोस्ट है नहीं है, कैटेगरीज है नहीं है, तो सो हमारी अनकैटेगराइज को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा 10-12 हमारी कैटेगरीज होती तो हम उसको डिफ़ॉल्ट के तौर पर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे ताकि अगर हम कोई भी पोस्ट लिखें तो वो ऑटोमेटिकली उसी कैटेगरी में जाए जो हमने यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की हो। और उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, और डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपकी पोस्ट की जो फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी पोस्ट लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड असाइड या चैट हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड पे रखते हैं और इसकी ज़्यादा जो है राइटिंग की ज़्यादा ऑप्शंस को हम छेड़ते नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम एक पिंग लिस्ट होती है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये पिंग लिस्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये पिंग लिस्ट आपको मैं फ्राम कर देता हूँ ये क्या है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पे पिंग लिस्ट देंगे और सेव करेंगे तो आपकी साइट जो है काफ़ी जगह पर ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी पिंग लिस्ट है, ये मैं आपको इसी ट्यूटोरियल के नीचे या इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, या अगर वेबसाइट में इसी वीडियो के नीचे आपको ये नज़र आ जाएगी, ये पिंग लिस्ट का डाउनलोड लिंक है ये। तो ये पिंग लिस्ट को आप यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करो, तो कंट्रोल ए कर दें, यहाँ पर ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, इसको कॉपी करें और ये आपको मैं डाउनलोड टेक्स्ट फाइल में भी दे दूँगा और वैसे भी पेस्ट कर दूँगा आपकी वीडियो की, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और इस साइट के ऊपर भी। तो आप इसको कॉपी करें सिंपल और इसको यहाँ पर आके कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दें, ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी और इसको सेव चेंजेस कर दें। ओके, तो हमारी ये चेंजेस सेव हो चुकी है। इसके बाद ये हमारी रीडिंग की सेटिंग, हम इसको चेक करते हैं। रीडिंग में ये है हमारे पास कि इस वक्त हमारी जो मेन पेज है हमारी वेबसाइट का, इसके ऊपर हमारी पोस्ट वगैरह आएंगी, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखी है हेलो वर्ल्ड, ये एक पोस्ट आ गई, दूसरी पोस्ट मैं लिखता हूँ डाउनलोड फ्री डोमेन या डाउनलोड फ्री वर्डप्रेस साइट्स वर्डप्रेस थीम्स, तो उसकी एक पोस्ट आ जाएगी, फिर यहाँ पे डाउनलोड फ्री गेम्स वो आ जाएगी, फिर डाउनलोड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस उसकी पोस्ट आ जाएगी, तो वो यहाँ पर शो होगी हमारे फ्रंट पेज के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई पेज को शो करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके कुछ 5-6 पेजेस बने हुए कॉन्टैक्ट अस के, पोर्टफोलियो के, फिर उसके अलावा अबाउट मी के, तो आप किसी एक पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे कोई मेरी onlinetutor.tk खोल लो तो उसके सामने ये पेज ना आए, पोस्ट वाला पेज ना आए,
बल्कि जो आप वो पेज सेलेक्ट करें यहाँ से आगे स्टैटिक पेज, यहाँ से प्ले पेज को सेलेक्ट करते हैं तो वो शो हो। अभी हमारे पास सिर्फ एक सैम्पल पेज है, यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक सैम्पल पेज ही है सिर्फ, तो वो अगर आप करेंगे तो वो ही आएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस बनाए होंगे तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम जो है अपने लिए यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट को ही चेक करते हैं। और यहाँ से आके हम क्या करते हैं कि इसको अपनी पोस्ट की लिमिट बना सकते हैं कि कितनी पोस्ट आपके एक पेज पर शो हो, यानी कि यहाँ पर आपके फर्स्ट पेज के ऊपर 10 पोस्ट शो होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा अगर पोस्ट हो जाती हैं तो वो उसका दूसरा पेज बना देता है, तो आप दूसरे पेज पर जाके मज़ीद पोस्ट को देख सकते हैं। तो आप 10 कर सकते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगा 7 होनी चाहिए। 7 के बाद यहाँ पर जो है आपकी फुल टेक्स्ट में ना हो, यानी कि आपके पास जो पोस्ट लिखी हो वो फुल टेक्स्ट में ना आए बल्कि समरी में आए। समरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई पोस्ट आपकी नज़र पड़े तो उसको पूरी ना पढ़ी जाए बल्कि उसके आगे लिखा हो रीड मोर, तो जब वो उसको क्लिक करे तो उस पोस्ट के अंदर एंटर हो जाए और उसको पूरी पोस्ट पढ़ सके, तो हम इसलिए इसको समरी को करेंगे। और इसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये क्या है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स दिस साइट। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपकी जो मोस्टली सर्च इंजन्स है वो आपकी साइट को अपने अंदर इंडेक्स नहीं करेगी, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन्स में शो नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल भी हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी हर सर्च इंजन हमें इंडेक्स करे, सो इसको हम अनचेक ही रहने देंगे और इसको सेव कर देते हैं। इसके अलावा आता है डिस्कशंस। डिस्कशंस में हमारी ये कमेंट की सारी सेटिंग है, इसको आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ी सेटिंग नज़र आ रहा है, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू द कमेंट, यानी कि जो यूज़र्स हैं जो कमेंट करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर पहले रजिस्टर करें फिर लॉग इन करें तो उसके बाद वो कमेंट कर सकें। हम इसको चेक रहने देते हैं कि जो मर्ज़ी यहाँ पर हमारी साइट पर आए और वो कमेंट करके, तो इसको हम चेक रहने देते हैं। ये सारी कमेंट की हमारी सेटिंग है, तो इसको हम नहीं करेंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे, तो इसकी ज़्यादा तो कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कमेंट ब्लैकलिस्ट है, ब्लैकलिस्ट यहाँ पे आप कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं कि कोई वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स में यूज़ ना हो, यानी कि कोई लोग गाली गलौज करते हैं तो उनके लिए आप यहाँ पे बैन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पर बिच को आप यहाँ पर लगा दें और इसके आगे कॉमा डाल दें, तो कोई भी बिच लफ्ज़ आपकी कमेंट में लिखेगा तो वो वहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। सो बिच है और भी जितने भी वर्ड्स हैं उर्दू में भी कोई वर्ड्स हैं तो उनको भी आप यहाँ पर लिखकर बैन लगा सकते हैं, तो यहाँ से आके हम इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो है ज़्यादा सेटिंग को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारी डिस्कशन आ गई। और ना ही हमें मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सो इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीज़ आती है हमारी परमालिंक्स। परमालिंक्स का मतलब ये होता है कि अभी आपकी पोस्ट जो शो हो रही है ना, यहाँ पे पोस्ट या पेजेस जो शो होते हैं वो इस फॉर्मेट में शो होते हैं, उनके लिंक उनके URL जो है वो होते हैं HTTP या उसके बाद फिर वर्ड आपकी साइट का नाम आता है फिर स्लैश फिर उसकी पोस्ट डेट शो होती है कि किस डेट को पोस्ट हुई थी और फिर उसके बाद जाके पोस्ट का नेम आता है। तो गूगल इस तरह की साइट्स को जो है वो ज़्यादा इंडेक्स करने में या SEO के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, हमारी SEO उसी को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट शो हो और हमारी पोस्ट नेम शो हो रहा हो। यहाँ तक ये है, फिर उसके आगे मैं कहता हूँ कि मेरी साइट के बाद मेरे पेज का नाम आ जाए या सैम्पल पोस्ट वगैरह, तो मैं मंथ एंड नेम को ख़त्म करके यहाँ पर पोस्ट नेम कर देता हूँ। यहाँ से आगे मैं सिंपली पोस्ट नेम को हम क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे क्या था, पहले ये ईयर आता था फिर मंथ आता था फिर पोस्ट नेम आता था, यहाँ पे मैं कर दूँगा तो सिर्फ ये पोस्ट नेम को शो करेगा। यहाँ पे हम कस्टम स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादातर पोस्ट नेम पर ही रखते हैं, ये हमारी गूगल की जो है या SEO के लिए बेस्ट होता है, सो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये थी हमारी सेटिंग्स की सारा पैनल के सेटिंग्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग में या कहाँ पर आपको मसला आ रहा है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी, और हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहा करिए। अल्लाह हाफिज़।